आज कोई बात नहीं। तो ये मीठी चटनी है, है तो ये किसकी बनाते हैं आप? ये आपने बनाई है ना, मैं पसीने लेके गया हूँ, ये प्लेट बल्लों की बना। अच्छा माशाल्लाह। पसीने तो मेरा कजन उसने देखी है, उसने कहा यार मुझे खिलाओ, फिर वो महल सी रहता है भावलपुर। अच्छा अच्छा। उसके लिए मैं 10-15 प्लेटें उनके घर लेके गया। हाँ ये मैं आप बड़ा मखसूस है। तो लोगों को बताएंगे तो पता चलेगा ना नहीं क्या करना है, जिंदगी खत्म होने वाली है सारा यही तो दुनिया का ना सब कुछ। अच्छा इस पे पापड़ी इसी पे ऐड करेंगे ना। सलाद आ गया और ये आ गई पापड़ी। अच्छा पापड़ी भी आप खुद ही मतलब तैयार करते हैं ना जी? माशाल्लाह। अच्छा ये है जी पापड़ी, और ये पापड़ी भी बड़ी क्रिस्पी है, वो है बाद में देखते हैं। उसके बाद ये आ गई फलियाँ, ये बेसन की बनी होती हैं, इसके अंदर हाई साहब ये फुलकियाँ भी डालते हैं, ये दाल की बनी होती हैं, इसको आप छोटा सा भल्ला ही कह लें चाहे, और एक इसमें भल्ला भी ऐड किया था ना, ये भल्ला। ओह शिट नीचे आया, कल इसकी बाइट बनाते हैं चम्मच। अच्छा ये स्ट्रीट फूड अगर आप खाना चाहते हैं तो ये आपको उर्दू बाजार में मिलेगा। मैं पहले आपको बता दूँ कि सिर्फ 3 से 5 ही अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा जो आपको कोई नहीं मिलेंगे, और बड़ा मुख्तसर सा ये सामान लगाते हैं, नाम इनका कोई नहीं। पहले 30-35 सालों से उर्दू बाजार चौक में इनकी यही स्टॉल हुआ करती थी, वहाँ पर बहुत कंजस्टेड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर ये हाफिज़ जी टिक्की के हाफिज़ जी टिक्की वालों के साथ जो है ना उर्दू बाजार में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप ये खाना चाहते हैं आके तो 2 ही घंटे सिर्फ ये अवेलेबल होती है।